हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अमंग दैट वी हैव सीन द लास्ट टॉपिक्स, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट यूनिट, द डिफरेंशिएशन or the basic differences between the two points. Okay, before that there is one activity is given. Okay, as you can see there are certain terms are given, and now we have to just guess regarding it what is these terms the part of, like whether they belongs to the microeconomics or macroeconomics. Now we have seen that microeconomics may individual level pe स्टडी किया जाता है, वेयर एज इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल पे। सो लेट्स सी ऑल द एलिमेंट्स। ओके, ये कौन से इससे बिलोंग करते हैं। ओके, सी लाइक ग्लोबल पॉवर्टी, अगर आप देखोगे ग्लोबल है मतलब पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। सो ये इंडिविजुअल नहीं है, पूरे वर्ल्ड का है, दैट्स वाई इट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर दूसरा है दैट इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस है, ओके, दैट्स वाई इट कम्स अंडर द स्टडी एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, सो ये दो कंट्रीज के बीच में होता है, ओके, डिफरेंट कंट्रीज के, दैट्स वाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल फर्म, ओके, कम्स अंडर द स्टडी एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो इट कम्स अंडर द स्टडी एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड लास्ट वन इज द नेशनल इनकम, देर आर वेरियस एलिमेंट्स, ओके, ऑफ अ इंडिविजुअल कंट्री, बट इट includes various elements, that why it comes under the study aspect of macro. Okay, so that is about this activity. Now as I earlier said, the basic difference is given between two important term in the economics, that is economic growth and economic development. अगर आप देखोगे तो ये concept समझने के लिए बहुत आसान है, और important इसलिए है क्योंकि इसके basis पे आगे मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। दैट इज कॉल्ड और दिस इज कॉल्ड एज अ बेस ऑफ द इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ऑलवेज रिमेंबर ग्रोथ आर बेसिकली नेचुरल, जैसे हमारी हाइट, ओके, ये नेचुरल होती है, ओके, वैसे ही इकोनॉमी की ग्रोथ भी क्या है, कुछ नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज़ अ डिलिबरेट एक्टिविटी, इट इज़ अ ह्यूमन मेड। जैसे मैंने बताया कि हमारी हाइट हो गई है कि नहीं, ये नेचुरल फैक्टर है, बट डेवलपमेंट हमारा क्या है, हमारे हाथ में है। अगर हम चाहे तो हम पढ़ेंगे, है कि नहीं, या हमने पढ़ना छोड़ दिया तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। सो इट इज़ अ ह्यूमन मेड फैक्टर। सी वन बाय वन, ओके, फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ मींस एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। देखिए राष्ट्र का जो रियल नेशनल इनकम है, ओके, उसमें क्या है, बढ़ोतरी होती है। नाउ वन क्वेश्चन कैन अराइज इन योर माइंड, व्हाट इज रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम क्या है। ओके, सो रियल नेशनल इनकम इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री। अब नेशनल इनकम अगर कंट्री का जो बढ़ता है, बट रियल नेशनल इनकम, ओके, सो इट इंडिकेट्स द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। देन देर इज अ कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज गिवन। सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द सर्टन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। अब देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक पार्ट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेसिक क्या है, दैट इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ और भी एलिमेंट्स हैं। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स विच डिटरमाइन वेल बींग ऑफ द पीपल, जिससे लोगों का क्या है, भला होगा। ऐसे एलिमेंट्स क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते हैं। देन सेकेंड है, दिस कंसेप्ट इज नैरो एंड क्वांटिटेटिव। देखिए नैरो है, ओके, और साथ ही साथ क्या है, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ से रिलेटेड है, इट इज़ अ नेचुरल फैक्टर। ओके, दैट्स व्हाई इट दिस कंसेप्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस कंसेप्ट इज ब्रॉडर एंड क्वालिटेटिव। ओके, अब ये जो कंसेप्ट है ये क्या है, ब्रॉडर है, मतलब इसका सेंस क्या है, ब्रॉड सेंस में डिफाइन किया गया है, इसको बनाया गया है, और साथ ही साथ इसका एस्पेक्ट कैसा है, क्वालिटेटिव है, इट डील्स इन द क्वालिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ओके, सो इट इन्वॉल्व ऑल द थियोरेटिकल पोर्शन, वी कैन से दैट। देन इट कम्स टू द थर्ड
पॉइंट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं भी हुआ तो भी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। बट टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज़ अ पैरामीटर और इट इज़ अ बेसिक थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, होगा नहीं। देन इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ अनडाइमेंशनल और यूनिडाइमेंशनल कंसेप्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, यूनिडाइमेंशनल है। यूनि मतलब अ सिंगल, वी कैन से दैट। ये एक ही डायमेंशन से, एक ही दृष्टिकोण से क्या है, काम करता है। वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। मल्टी डायमेंशनल मतलब इसके अंदर अलग अलग चीज़ें क्या है, इन्वॉल्व होती है, या अलग अलग दृष्टिकोण से क्या है, ये स्टडी करता है। वेयर एज इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली टेक्स इन टू अकाउंट द नेचुरल फैक्टर एंड दिस प्रोसेस इज ऑटोमेटिकली डन। और टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देयर आर मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग चीज़ें होती है जिन सब का डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सेबल। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, स्पॉन्टेनियस मतलब कंटिन्यूस है एंड रिवर्सेबल है। इसको हम क्या है, रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब फिर से पुरानी कंडीशन में भी हम क्या है, आ सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ डिलिबरेट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, डिलिबरेट है, मतलब जानबूझ के किया गया है। अब जानबूझ के किया गया मतलब इट इज़ अ ह्यूमन फैक्टर। हम चाहेंगे, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, लिटरेसी रेट बढ़ेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमंस। ये ह्यूमंस के क्या है, साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ डिलिबरेट एंड इरिवर्सिबल। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब फिर से, मतलब आपने एक बार एजुकेशन ले लिया, आप फिर आप बोलोगे कि नहीं अभी मैं अनएजुकेटेड होता हूँ, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओके डिलिबरेट है और साथ ही साथ क्या है, इरिवर्सिबल। देन नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट ओके, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर मेजर करना है तो दो पैरामीटर्स दिए हैं, दैट इज नेशनल इनकम ओके और दूसरा है पर कैपिटा इनकम। अब नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी देर आर वेरियस मेथड्स, बट अमंग दैट द इम्पॉर्टेंट और सिंपलेस्ट फॉर्म इज दैट नेशनल इनकम इज नथिंग बट द कंसिडरेशन विच हैव बीन गिवन टू द ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है कि नहीं, लैंड लेबर कैपिटल इंटरवल, इनको जो भी मॉनिटरी टर्म्स में पैसा दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम। नाउ हाउ द पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड, इट इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम, दैट इज टोटल पॉपुलेशन, सॉरी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ओके। वेयर एज टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एक्सेट्रा। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी करने के अलग अलग और एस्पेक्ट दिए, जिसमें हम कृषि मतलब खेती, एग्रीकल्चर से क्या प्रोडक्टिविटी हुई है, इंडस्ट्रीज अलग अलग जो भी उद्योग है उनसे क्या प्रोडक्टिविटी हुई है, उत्पादकता, या ह्यूमन लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी क्या है, स्टडी करके हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ अबाउट द फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर ओके, दैट इज मनी ओके।